हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको बताया 1947 के इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पूरे एक साल के लिए पाकिस्तान ने इंडियन करेंसी पर पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टैंप मार के उसे यूज किया है। मतलब बंटवारा तो हो गया मगर करेंसी नहीं छपी। नहीं मानते तो जरा ये नोट देखो। खैर ये आपके लिए इतना शॉकिंग नहीं होगा जितना बड़ा झटका आपको ये सुनकर लगेगा कि एक वक्त में इंडिया में दो करेंसीज यूज हुआ करते थे। जी हाँ, बिल्कुल। एक करेंसी थी अपनी इंडियन करेंसी और दूसरा हैदराबादी करेंसी, जिसे हम हैदराबादी रुपीस बोलते थे। और 1918 से लेके 1959 तक इंडिया में ये दोनों करेंसीज बड़े आराम से यूज किया जाता था, स्पेशली इन द किंगडम ऑफ हैदराबाद, जहाँ पे हैदराबादी रुपी यूज किया जाता था। लेकिन वेल, अब सवाल ये आता है कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बात ये है ना कि इस वीडियो में तुम पैसे कैसे बनते हैं से लेकर पैसे कैसे खत्म होते हैं, यानी उनके अंत तक का पूरा सफर खुद एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको बहुत सारी न्यू बातें जानने मिलने वाली है, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, रिलैक्स एंड लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल, हाउ मनी इज मेड इन फैक्ट्रीज। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस के लिए हमने थोड़ा अलग टाइप से बनाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एक कापूस का गोला। आज मेरा नसीब तय होने वाला है। आज मुझे पता चलेगा कि मैं क्या बनूंगा, कोई टी शर्ट या शर्ट। मैं हीरो बनने वाला हूँ। ओए, हीरो नहीं रे, यूरो कहते हैं, यूरो। हाँ हाँ, वही। वैसे अगर आपको ये पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, पैसे असल में कागज से नहीं बल्कि 75% कॉटन और 25% लाइनन से बनते हैं। और इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते भाई साहब। तो फिर आप भी चलिए मेरे साथ मेरे हीरो यूरो बनने के सफर पे, अनुभव करिए कि मेरी जिंदगी कैसे होगी। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं करेंसी आखिर बनती कैसे है। So here we start with first stage. सबसे पहले तो कॉटन और लाइनन को मिक्स किया जाता है ताकि नोट आसानी से फटे ना। और एक क्विक फैक्ट बताऊं, क्योंकि नोट्स कॉटन से बनाए जाते हैं, इसीलिए पुराने जमाने में नोट्स को सुई धागे से सिया भी करते थे, जैसे आप कॉटन के कपड़े को करते हो। खैर, पास की बातें को छोड़ो, अब जरा प्रेजेंट में आते हैं। देखते हैं हमारे यूरो भाई किस दौर से गुजर रहे हैं। ये पानी काफी ठंडा है, जाने दो, आगे बढ़ते हैं। कॉटन और लाइनन का मिक्सचर तैयार होने के बाद उसे एक मशीन में भेजा जाता है पेपर बनने के लिए, जहाँ मिक्सर के साथ पानी मिक्स किया जाता है और उस घोल को तो बड़े बड़े रोलर्स के बीच से भेज के फाइनली मुझे कॉटन से पेपर में तब्दील कर दिया जाता है। और क्या बताऊँ यार, मेरी तो सूजी पड़ी है यार। इस बेचारे को देखकर तो मुझे दया आ गई। ये मिक्स करो, वो मिक्स करो, फिर बाद में रोलर को घुसाओ, फिर पेपर बनाओ। इससे अच्छा डिजिटल करेंसी क्यों नहीं अपना लेते इन लोग। आजकल तो यूं ही मिनटों में घर बैठे बैठे डिजिटल करेंसी आराम से बन जाती है, जो ज्यादा सिक्योर और ट्रस्टवर्दी तक होती है। ना कोई खतरनाक प्रोडक्शन कॉस्ट, ना कोई खतरनाक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बस आपको सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात, जहां पर आपके पैसे करेंसीज की वैल्यू साल प्रति साल कम होते जा रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, यही क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू साल प्रति साल बढ़ते जा रही है, वो भी एट अ मच फास्टर रेट देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट। और फिर चाहे हम बात करें स्टॉक्स की या म्यूचुअल फंड्स की या इवन रियल एस्टेट की, मतलब सही है यार, पैसे का पैसा और इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट। लेकिन सवाल ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी आप आखिर परचेज कहां से कर सकते हो। वेल, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप ये जवाब जानते हो, बिल्कुल, कॉइन स्विच कुबेर ऐप के थ्रू। इस ऐप में आपको पूरे एक बिटकॉइन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सच कहूं तो वो औकात के बाहर है, 40 लाख रेट हो चुका है। लेकिन आप इसमें 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो और उतना पोर्शन उस बिटकॉइन का आपके नाम पर कर दिया जाएगा और उसकी भी वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आता है। और इसी के साथ साथ इसमें सिर्फ बिटकॉइंस में ही नहीं बल्कि बिटकॉइन के जैसी 100 और क्रिप्टो करेंसीज, जिनका भी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ये ऐप को डाउनलोड करते हो, तो आपको मिलेंगे पूरे 50 रुपए के वर्थ के बिटकॉइंस बिल्कुल फ्री। और हाँ, एक और एक बात, इस ऐप पर कोई शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन ऐप है और इसमें आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका KYC सब कुछ करवाया जाएगा, जो यूजुअली सिर्फ जेन्युइन ऐप्स में ही किया जाता है। इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो वो प्रोसीजर भी एकदम सिंपल है, जब चाहे आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। और अब फाइनली फ्रेंड्स, बिटकॉइंस का इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, यानी कि आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो और मार्केट का नॉलेज गेन करते रहो, और एक बार आपको कॉन्फिडेंस आने लगे तो फिर ज्यादा अमाउंट लगा सकते हो। बट इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको लोन्स वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर इवन अपने किसी दोस्त से उधार लेके यहाँ पे
पैसा इन्वेस्ट करना क्योंकि वो बेवकूफी होगी। लालच से इन्वेस्ट करना और नॉलेज से इन्वेस्ट करने में डिफरेंस होता है, बट अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप कभी भी वो स्किल एक्वायर नहीं कर पाओगे। अब एनीवे फ्रेंड्स, वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। हाँ, तो मैं कहां पे था, तो जैसे मैंने कहा कि पेपर रेडी होने के बाद इसे भेज दिया जाता है वॉटरमार्क लगाने के लिए। अब आपने करेंसीज पे वॉटरमार्क बिल्कुल देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई भी एक नोट लीजिए, उसे लाइट पे लगाइए और उसमें आपको बापू दिखाई देंगे ना, बिल्कुल उसे ही वॉटरमार्क कहते हैं। ये सर्किट तेरे को दिखता है ना बापू? वैसे जानना है आपको कि वॉटरमार्क्स लगते कैसे हैं? ज्यादा कुछ खास नहीं रहे, सिंपल सा तो है ये प्रोसेस। एक रोल होता है जिसे हम डैंडी रोल कहते हैं, उस पे वॉटरमार्क का डिजाइन एनग्रेव्ड होता है और जैसे ही गीले पेपर को इस रोल के बीच से निकाला जाता है, पेपर पतला हो जाता है और वो वॉटरमार्क पेपर पर छप जाता है एंड डन। अब ये एक लीगली एक्सेप्टेड नोट बन चुका है। अगर ये स्टेप नहीं डाला गया तो समझ लो ये एक नकली नोट। बट अभी भी खेल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी और भी कुछ स्टेप्स बाकी है, जैसे फॉर एग्जांपल होलोग्राम का स्ट्राइप्स लगाना। सो अपना हीरो अब अपने को बताएगा कि होलोग्राम खुद पर लगाने का एक्सपीरियंस कैसा है। हाँ, तो होलोग्राम जब मेरे पर छपता है तो एक्सपीरियंस बेहद ही गर्मा गर्मी वाला रहता है, और ऐसा इसीलिए ताकि मेरे रोंग रोंग तक घुस जाए और हमारा साथ लंबे समय तक चले। और ये स्ट्रेप सब दुनिया में कहीं पे भी जाए आपको हर एक नोट में मिलेगा, सिर्फ कलर्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। यू नो कलर्स, जैसे कि सिल्वर, ब्लू या ग्रीन। मुझे तो रेड चाहिए था, पर चलो कोई ना। हाँ, एनीवे सब चलते हैं आगे। अब बेचारे का होने वाला है क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें जानेंगे कि हर एक शीट की जो थिकनेस है, जो औकात है, वो एक नोट बनने के लायक है कि नहीं। अगर किसी भी शीट में कोई भी गलती हो, इवन स्लाइड से भी गलती, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और वापस से फर्स्ट स्टेज में भेजा जाता है, यू नो, फॉर अ न्यू बिगिनिंग। और इस स्टेज में काफी सारे नोटों की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है कि नहीं, मुझे आगे जाने दो, मैं नालायक नहीं बल्कि मैं लायक हूँ। और अथॉरिटीज जो भी नोट्स को लायक समझते हैं वो रेडी हो जाते हैं प्रिंटिंग के लिए। पर क्या आपको बताया, पहले नोट के डिजाइन्स को स्टील प्लेट पर उल्टा एंग्रेव किया जाता है और जिन प्लेट्स को बनाने वाले आर्टिस्ट को 12 से 15 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और फिर ही जाके उन्हें ये जॉब मिलता है। अब इसमें वो काफी सारे प्लेट्स को एंग्रेव करते हैं, जो बनते ही उन प्लेट्स को यूज किया जाता है नोट्स पर प्रिंट करने के लिए। मतलब अब बारी है मुझ पे कलर प्रिंटिंग करने की, जहां मुझ पे जो इंक यूज होने वाला है उसमें ट्रेसेबल मैग्नेटिक और कलर चेंजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। ये क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अलग अलग नोटों के हिसाब से अलग अलग कलर्स यूज किए जाते हैं। जैसे ये देखो, मुझ पर चढ़ा ऑरेंज कलर। भैया मैं तो इस कलर से बिल्कुल खुश हूँ, ये कलर मेरी यूनिक आइडेंटिटी है। अब लग रहा हूँ ना मैं एक हीरो, मेरा मतलब है यूरो। अब मैं आसानी से आगे बढ़ सकता हूँ। और ये क्या, फिर से एक इंस्पेक्शन। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इंस्पेक्टर सिर्फ ये देखने के लिए है कि सारी नोटों पे सब कुछ ठीक से प्रिंट हुआ है कि नहीं, और अगर सही ना हो तो उन नोटों को नष्ट करके उन्हें रिसाइकल कर दिया जाएगा। और अब रिसाइकल नोटों के साथ क्या होता है ये जानने के लिए थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं आपको सब बताएगा। अब यहाँ से मेरा फेवरेट पार्ट शुरू होता है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। नोट का जो वैल्यू होता है ना, वो स्पेशल इंक से प्रिंट किया जाता है और यहाँ पर भी जो कलर यूज किए जाते हैं उसमें भी ट्रेसेबल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, और इसकी वजह से ये कलर्स अलग अलग एंगल से देखने पे कलर चेंज करती है। इस इंक को इस्तेमाल करने के पीछे का कारण ये है कि कोई शाना मुझे मशीन में डाल के मेरा कोई जुड़वा भाई ना निकाल दे, एक फेक नोट। और क्योंकि ये इंक ही इतना यूनिक है कि ज़ेरॉक्स मशीन में डालकर कोई इसे कॉपी करने की कोशिश करे तो इस इंक का सिर्फ एक ही शेड दिखेगा, मतलब फेक नोट्स पकड़ी जाएगी। ओके हीरो, अब तू थक गया होगा, यहाँ से मुझे बोलने दे थोड़ा, मुझे भी थोड़ा फुटेज मिले। सो वेल फ्रेंड्स, अब अगला स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं इंटाग्लियो प्रिंटिंग। इस प्रोसेस में नोट के ऊपर टेक्सचर्स प्रिंट किए जाते हैं फॉर डिसेबल्ड पीपल। और अब अगर आपके पास कोई भी नोट है तो उसके ऊपर जरा आंखें बंद करके अपने हाथों को फेरो, उसके ऊपर आपको कुछ उभरे उभरे से डिजाइंस और नंबर्स फील होंगे, और इसी प्रोसेस के कारण जो विजुअली इंपेयर्ड लोग होते हैं वो भी नोट्स को बड़ी आसानी से विदाउट सीइंग पहचान सकते हैं थ्रू द सेंस ऑफ टच। और अब फ्रेंड्स, वन ऑफ द फाइनल स्टेप्स है जिसे हम कहते हैं कटिंग और पैकेजिंग। अब इस स्टेप में नोट्स को कट करके और पैकेज करके भेज दिया जाता है फेडरल रिजर्व्स में, जो इन पैसों को देश भर के बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये नोटों का डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द नीड होता है। अब मैं फाइनली बन गया हूं एक यूरो डूड। मेरा कलर तो देखो, मेरी चमक धमक और कड़कड़ाहट तो देखो, मैं वेट नहीं कर सकता कि मैं सबसे पहले किसके पास जाऊंगा। मेरा मानना है कि मैं किसी बिलियनियर के पास जाऊंगा। अमीरों के घर पे रहने का मजा ही कुछ और होता है। A few moments later. ये कहां पे आ गया मैं? उफ, इतनी गर्मी क्यों है भाई?
Am I in California? नहीं रे बाबा, कैलिफोर्निया में किधर? उल्हासनगर में आ गेलेला तू. आप उनके बटवे में रे तू. म्हणजे आप उनके वॉलेट वॉलेट में है तू. ए बटवा, जर्म्स वगैरह तो नहीं है यहाँ पे? कह रहे बाबा, ज्यादा शाणा मत बना. तेरे को पता है क्या, तेरे थोबड़े पे साइंटिस्ट लोग बोलता है टॉयलेट सीट से ज्यादा जर्म्स होता है. एक्सक्यूज मी, मेरे पे कोई जर्म्स वगैरह नहीं है. ओके, यूरो यूरो है मैं, यूरो. तुम्हारी तरह नहीं है मैं, बहुत ही एडवांस और हाईटेक प्रोसेस से बनाया गया मैं. मुझमें कितनी सिक्योरिटी फीचर्स है पता है क्या तुझे? अरे ठंडा ले ले, पता है वाटर मार्क है तेरे पे. हाँ है. इंटैग्लियो प्रिंटिंग है तेरे पे. हाँ है. होलोग्राम स्ट्राइप है तेरे पे. हाँ है. अरे बाबा, इतनी गर्मी का एको, ये सब तो अपुन के पास भी है. अपुन की पैदाइश सही तरह यूरोप में नहीं हुई, पर अपुन को ये मालूम है कि ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स तो हर नोट में होता है. तू नहीं रहे इधर, अभी बताता मैं तेरे को क्या क्या चीजों से यहाँ पर गुजरना पड़ता है. ये इंडिया है भाई, इंडिया. मैं तेरे को एक असल कहानी बताता है. 1920 के पहले इंडिया का सब पैसा यूके में ही छप के आता था, पर कुछ समय बाद अंग्रेजी बाबा बोला कि बहुत हो गया, उधर से लाने का बहुत महंगा पड़ रहा था, इसीलिए इधर ही बनाएगा. इसीलिए अंग्रेजों ने 1926 में नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस खोला रे बाबा, जो अंग्रेजों के जाने के बाद से अब तक बरकरार है. पर फिर पब्लिक पढ़ने लगी ना, तो गवर्नमेंट ने बाद में दूसरा प्रिंटिंग प्रेस देवस मध्य प्रदेश में डाल दिया. पर फिर 1997 तक इंडिया में जैसा पता है तेरे को आबादी और बढ़ गई, लोग सब काम वगैरह करने लगे, जिसका खर्चा ही भारत को कुछ 400 करोड़ रुपए पड़ा. और ये खर्चा देख के गवर्नमेंट ने बाद में अपने कान पकड़े और बोला कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबा. और अब गलती हो गई थी तो गलती सुधारना भी तो बनता. और इसीलिए गवर्नमेंट ने बाद में दो प्रेस खोले, साल 1999 में मैसूर में और साल 2000 में सलबोनी में. और फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ एक बार नहीं, पूरे तीन बार. पहली बार 1948 में, फिर 1978 में, और अभी हाल ही में 2016 में. और ये सब सच बताओ, तुमको नहीं पता था ना? इतना सब होने के बाद अभी मैं तुम्हारे सामने इधर खड़ा हूँ, और तुम शाणे अभी अंडे से बाहर निकले हो और इतना जवान लड़ाते हो, अकड़ किस बात की है? ओ, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था. शायद हम उतने भी अलग नहीं है जितना मैंने सोचा था. हाँ क्या? अरे एक मिनट रुक, तेरे एक्सेंट को क्या हुआ रे? मुंह में भरी सुपारी थूक के बात कर रहे क्या? चल अब अपुन निकलता है, अपुन के पुनर्जन्म का वक्त हो गया है. ये देख अब मुझ पे कितने छेद हो गए. अब वक्त आ गया है जाने का, अब वक्त हो गया है रिसाइकल करने का. रिसाइकल वो क्या होता है? अरे देवा रुक, बताता है. जब कोई भी नोट फट जाता है ना, या उसमें होल्स हो जाते हैं, या अगर वो बहुत ही जुना पुराना आइटम हो जाए, तब उसे वापस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भेजा जाता है. वहाँ उन नोटों को पहले बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में चूर चूर कर देते हैं, और फिर उन नोटों को वो खाद यानी कि फर्टिलाइजर्स में, पेंसिल बनाने में, फाइल फोल्डर बनाने में, या कपड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं. और क्या पता ये लोग जो सब्जी खा रहे हैं वो करोड़ों रुपए के खाद में बनी हो, या जिस पेंसिल से लोग अपने फाइल पे लिख रहे हो वो चीजें 500 से 2000 के नोटों की बनी हो. हाँ, थैंक यू भाई, आपने इतना सारा ज्ञान दिया. कोई बात नहीं रे छोटे, भगवान तुझे लंबी उम्र का वरदान दे. मैं निकलता, खुदा को भी यही मंजूर है. भाई लोग, लास्ट वाला सीन थोड़ा इमोशनल था, है ना? So, कैसा लगा आपको ये सफर, जो एक नोट का शुरुआती दिनों से उसके एंड के दिनों तक हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की. अब यार मैं मानता हूँ डबिंग इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये वीडियो जल्दी जल्दी रैप अप करना था, बट थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट ट्राई किया. अगर ये वीडियो तुम्हारे पल्ले पड़ी तो एक लाइक जरूर ठोकना, नीचे कॉमेंट्स में शेयर करना अपनी ओपिनियंस. और हाँ, मैंने जो बात आपको बिटकॉइंस के बारे में बताई थी, तो कॉइनस्विच ऐप डाउनलोड करके नीचे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो. और हाँ, कॉइनस्विच कुबेर का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें आपको बिटकॉइंस और इन्वेस्टमेंट से लेकर काफी गाइडेंस भी मिलेगा. सो उसे भी सब्सक्राइब करना, जैसे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है. सी यू इन अनदर वीडियो फ्रेंड्स, फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फुल ऑफ मस्ती. टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. जय हिंद.